वर्कशीट hey like so, करने वाले हैं इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में हमने डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज के बारे में पढ़ा था डिफरेंट वेराइटीज ऑफ हाउसेज अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द सिटी जैसा क्लाइमेट रहता है उसके अकॉर्डिंग कैसे रहता है वहां के हाउसेस बने होते हैं राइट right? सो so, हमने वही चीजें क्या पढ़ी थी इस चैप्टर में फुली रीड करी थी ओके सो रिलेटेड टू दैट हम उससे कुछ रिलेटेड में क्वेश्चन एंड आंसर्स सॉल्व करेंगे डिस्कस करेंगे वर्कशीट में और कुछ एक्सरसाइजेस भी डिस्कस करेंगे ओके सो लेट्स स्टार्ट विद आर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज वाई डायडस उस क्यों सबको घर की जरूरत पड़ती है हम सबको हाउस की जरूरत है वाई बिकॉज वी नीड की हमें कोई चीज प्रोटेक्ट करे कोल्ड से विंटर से रेन से समर से इंसेक्ट से विंड से इतनी सारी चीजों से हमें कोई प्रोटेक्ट करे तो वो कौन प्रोटेक्ट कर सकता है हमारे हाउसेस हमको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कौन हमारे हाउसेस हमको प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन सारी चीजों से सो द आंसर इज हाउस अस फ्रॉम द एयर कोल्ड रेन एंड इंसेक्ट हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एयर कोल्ड रेन इंसेक्ट इन सारी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करता है कौन हाउसेस कौन सी कौन सी एयर कोल्ड रेन एंड इंसेक्ट ओके सो दैट्स वाई वी नीड हाउस क्योंकि हाउस हमें काफी सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट मेक हाउस इन हिल एरियाज एरियाज यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज्यादा हिल्स होती हैं वो एरिया कौन सा होता है वो हिली एरियाज होता है जहाँ पे हिल्स हो वो हिली एरियाज तो हिली एरियाज में किस तरह का मटेरियल हम यूज करते हैं हाउसेज बनाने के लिए तो हम यूज करते हैं स्टोन एंड वुड स्टोन और वुड का यूज करते हैं हम हिली एरियाज में हाउसेस बनाने के लिए कौन से मटेरियल का स्टोन और वुड ओके okay? पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं हम वहां पे हाउसेस बनाने के लिए तो स्टोन एंड वुड आर यूज टू मेक हाउसेस इन हिली एरियाज स्टोन और वुड आर यूज टू मेक हाउसेस इन हिली एरियाज ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स क्यों हाउस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं क्यों हाउसेस डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं बिकॉज हाउसेज आर मेड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस जैसा क्लाइमेट होता है एज मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको चैप्टर में भी हमने यही रीड किया है कि जिस तरह का क्लाइमेट होता है उसी तरह के हाउसेज होते हैं जिस तरह का क्लाइमेट होता है उसी तरह के हाउसेज होते हैं हमारे हमारे कहाँ पे हमारे घरों हमारे एरिया में हमारी प्लेस पे जैसा क्लाइमेट जहां ज्यादा ठंड पड़ती है तो वहां पे उस तरह के हाउसेस होते हैं जहां बहुत बारिश होती है वहां उस तरह के हाउसेस होते हैं जहां गर्मी होती है उस तरह के सो हाउसेज आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इसलिए सब जगह हाउसेज आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलते हैं कैसे मिलते हैं डिफरेंट राइट नाउ नेक्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी सी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स इन दिटीज नॉट इन दिलेज वाई हम जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कैसी होती हैं जो लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है जिसमें काफ़ी सारे फ्लोर्स होते हैं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं ना बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं तो ये हम ज़्यादातर सिटीज़ में देखते हैं पर विलेजेस में नहीं क्यों क्योंकि जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर शेल्टर प्रॉब्लम होती है लोगों को लोगों को रहने की जगह नहीं मिलती है और लोग काफ़ी होते हैं तो ज़्यादा लोगों के कारण हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनानी पड़ती हैं ओके सो इन दिटीज देर आर मोर पीपल एज कम्पेयर टू विलेज इज वाई वी सी मल्टी स्टोरेज इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग इन दिटीज तो हम लोग सिटीज़ में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखते हैं क्यों क्योंकि वहाँ पे ज्यादा लोग होते हैं क्यों देखते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्योंकि वहाँ पे ज्यादा लोग होते हैं सिटीज़ में ज्यादा लोग होते हैं और विलेजेस में उतने लोग नहीं होते हैं ओके नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन Why are dome igloos, igloos कैसे होते होते ऐसे, इस शेप को कहते हैं, dome इस होते ऐसे. क्या होते हैं दी हाउस मेड ऑफ आईज आईज से जो हाउसेज बने वो होते हैं इग्लूज सो इग्लूज डोम शेप के होते हैं जिससे कि जो आईज अगर उस पर फॉल हो तो यहाँ पे स्टोर ना हो सके वो यहाँ से स्लिप हो जाए जो आइस यहाँ पे फॉल हो वो यहाँ पे स्टोर ना हो सके यहाँ से स्लिप हो जाए इसलिए इग्लूज जो होते हैं वैसे डोम शेप्ड होते हैं ओके सो आंसर इज शेप्ड सो दैट आइस आर डोम शेप्ड सो दैट इट कुड नॉट स्टोर ऑन द रूफ ऑफ द इग्लू, so इग्लू. यहाँ पे स्टोर ना कर सके आइस ओके इज दैट क्लियर टू यू क्यों होते हैं डोम पे आइस स्टोर ना हो सके यहां से, से स्लिप हो जाए ओके ना मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज एक्सरसाइज में क्या करना है आपको टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स जो भी सेंटेंस आपको सही लगे वहां पे आपको लिखना है टी फॉर ट्रू एंड जो गलत लगे वहां पर लिखना है, okay? so, है चैप्टर को याद करना है उसके बाद ये एक्सरसाइज करनी है सो यू कैन यू पॉज हेर एंड ट्राई टू डू इट बाई योर सेल्फ आप कोशिश करो खुद से करने की ओके सो वेरी फोर सेंटेंस इज हाउज ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन द सेम प्लेस क्या सेम प्लेस में हाउसेस डिफरेंट होते हैं नहीं डिफरेंट प्लेस पे हाउसेस डिफरेंट होते हैं क्यों क्योंकि वहां पे क्लाइमेट अलग हो जाता है तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग क्योंकि सो दिस इज ए फॉर फॉल्स ओके नाउ नेक्स्ट पीपल ऑफ डिफरेंट प्लेस लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस डिफरेंट प्लेस के लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस में रहते हैं येस दिस सेंटेंस इज राइट नेक्स्ट इग्लू इज अ काइंड ऑफ हाउस दैट कैन फ्लोट ऑन वाटर क्या इग्लू पानी में फ्लोट कर सकता है क्या इग्लू पानी में फ्लोट कर सकता है नो इग्लू तो इज अ हाउस ऑफ आइस वो आइस का घर होता है वो पानी में फ्लोट नहीं कर सकता तो खुद ही पानी बन जाएगा नहीं तो सो दिस इज रॉन्ग सेंटेंस एफ फॉर फॉल्स नेक्स्ट डिफरेंट थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाउस सच एस डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल हाउस को बिल्ड करने के लिए जैसे कि ब्रिक्स सीमेंट स्टील वुड हमको ये सारे मटीरियल चाहिए रहता है हाउस को बिल्ड करने के लिए ओके सो येस हमको यही ये सारा मटेरियल तो चाहिए रहता है सो सेंटेंस इज टी फॉर ट्रू नेक्स्ट शेल्टर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज शेल्टर एज आई टोल्ड यू मल्टी स्टोरी ही क्यों बनती हैं क्योंकि जो शेल्टर है लोगों को घर नहीं मिलता है बड़ी बड़ी सिटीज में तो क्योंकि वहाँ पे लोग ज्यादा होते हैं तो वहाँ पे शेल्टर की यानी घर की प्रॉब्लम रहती है दिस इज अगेन आ राइट सेंटेंस ट्रू ओके सो आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दिस एक्सरसाइज नाव मूव टू आर नेक्स्ट एक्सरसाइज ओके

कैसी रूफ्स होती हैं फ्लैट राउंड की स्लोपिंग कैसी फ्लैट होती हैं बिल्कुल की राउंड होती हैं की स्लोपिंग होती हैं तो यस वो स्लोपिंग होती है, होती है. में कैसी होती है स्लोपिंग नेक्स्ट अ डैंच इज अ टेंपरेरी हाउस यूज्ड बाय द ट्रैवलर्स एंड सोल्जर्स एक ऐसा टेंपरेरी यानी एक ऐसा हाउस होता है जो हमने अभी बनाया फिर हमने हटा भी दिया तो वो हाउस कौन लोग यूज करते हैं जो ट्रैवल जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं जंगल वंगल में उनको रुकना पड़ता है और सोल्जर्स हमारे सोल्जर्स तो ऑबवियसली उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है काफी सारी जगहों पे स्टे भी करना पड़ता है तो ड्रम में रुकते हैं वो नो no. पाइप में नो no. या फिर टेंट में सो so, यस yes, टेंट जो होता है टेम्पररी हाउस होता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर मोस्टली सीन मल्टी स्टोरेड यानी बहुत सारी फ्लोर्स जिस जिसपे होते हैं बहुत सारे फ्लैट होते हैं वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती हैं? सिटीज में टाउन्स में कि विलेज में तो यस सिटीज में हमको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स देखने को ज्यादा मिलती हैं नेक्स्ट इज फाइंड हाउस बोट्स इन हाउस बोट्स हमें कहाँ ज्यादा देखने को मिलती हैं सी में लेक्स में रिवर्स में तो हमको रिवर में देखने को मिलती हैं ओके ऑफ स्नो इज कॉल्ड स्नो के हाउस को बर्फ के हाउस को हम क्या कहते हैं लगलू गिगलू की रिंगलू इगलू गिगलू की रिंगलू हम कहते हैं उसको इगलू क्या कहते हैं हम उसको इगलू कहते हैं Okay. So correct option is igloo. So we are done with the filling the is also and I hope you are very clear with this exercise. Okay. Now move to next. Next exercise is these are the pictures of different types of houses are given below. यहाँ पे बहुत सारे types के houses आपको given हैं आपको उन pictures को पहचानना है और लिखना है उनका नाम with the help box के help से ये help box है उसके help से आपको यहाँ पे उनका name mention करना है So as I told you very first, very first picture किस house की है Very first picture है igloo की राइट right, ये है हमारा डोम शेप्ड हाउस जो आइस से बनता है तो ये है हमारा इग्लू क्या है ये ये है हमारा इग्लू क्या है ये इग्लू राइट नेक्स्ट ये क्या है ये है अपार्टमेंट्स ये है हमारे अपार्टमेंट्स राइट लास्ट द थर्ड वन पिक्चर किसकी है ये है बंगलो ये है बंगलो बंगलो एक हाउस होता है जो कि बड़ा सा होता है तो दिस इज बंगलो ओके नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट ओके दिस इज वी कैन से ये हम इसको हम बिला भी कह सकते हैं hmm, हाँ ओके okay? नाउ और कॉटेज भी कह सकते हैं ओके okay? Now next, now move to next to see more pictures. तो so, यहाँ है मोर पिक्चर्स ये है हमारा हट तो इसे हम कहते हैं एच यू टी हट ओके नेक्स्ट है ये जो है इसे हम कह सकते हैं बंगलो राइट right? ये बहुत बड़ा सा है. तो इसे हम कहते हैं बंगलो और ये और भी बड़ा है हम इसे कहेंगे विला इसे क्या हम कहेंगे विला ओके सो दिस इज विला दिस इज बंगलो एंड दिस इज हर्ट ओके जो हमने पहले आइडेंटिफाई करते थे वो थे अपार्टमेंट इकलू एंड कॉटेज ओके वो है कॉटेज नाउ नेक्स्ट

हाउ इज लाइक दिस ओके सो हमने चैप्टर एटीन की भी वर्कशीट कंप्लीट कर ली है आई विलकम विथ मोर वर्कशीट ऑफ द रिमेनिंग चैप्टर्स टिल देन यू हैव टू वॉच मोर वीडियोज ऑन मैग्नेट ब्रीन्स बिकॉज मैग्नेट ब्रीन्स प्रोवाइड फ्री एजुकेशन थैंक यू